निखिल, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अभी वहाँ ऊपर वो दोनों इसके बारे में ही बात कर रहे थे और ये घर पर आ भी गया। कुछ न कुछ गड़बड़े मिताली, पता लगाना पड़ेगा। निखिल निखिल, वाह, आज घर में पार्टी है क्या? मुझे पता ही नहीं था पार्टी। तुम इतना बन ठन के जो आयो तो मुझे लगा पार्टी होगी। नहीं, कोई पार्टी वार्टी नहीं है, बस मैं तो। ओ, तो किसी को इम्प्रेस करने आयो है ना? तनु को? नहीं, तनु तो घर पर है ही नहीं ना, वो तो अभी के साथ बाहर गई हुई है। नहीं भाभी जी, मैं वैसे भी तनु को मिलने नहीं आया था, मैं वैसे। प्रज्ञा, मुझे पता है प्रज्ञा को मिलने आए थे तुम, है ना? तुम्हारा और उसका कुछ चल रहा है क्या? आपको कैसे पता? मतलब चल रहा है, तुमने मुझसे कहा कि आपको कैसे पता, इसका मतलब कुछ न कुछ चल रहा है। पर क्वेश्चन तो मैंने किया था ना कि तुम्हारा प्रज्ञा के साथ क्या चल रहा है। आप जानकर क्या करेंगे, आपको क्या फायदा इससे? अरे बिना फायदे के तो हम औरतें सब्जी वाले होते ना, उनसे भी बात नहीं करती हैं। अगर तुम मुझे बता दोगे ना कि तुम्हारा क्या चल रहा है प्रज्ञा के साथ, तो मुझे वो सोने की जरी वाला दुपट्टा मिल जाएगा। क्या? दरअसल निखिल, मैं किसी को ढूंढ रही थी कंपनी के लिए, और मेरे लिए ये बिजनेस फेली न्यू है, इसलिए मैं सोच रही थी इफ यू कुड हेल्प। मेरा मतलब है इस कंपनी को और आगे बढ़ाना है, जिसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी सीईओ चाहिए, जो कंपनी का सारा काम टेक ओवर कर सके। कुछ मिल नहीं रहा, अगर तुम्हारी नजर में कोई हो तो जरूर बताना। प्रज्ञा जी, मेरी नजर में एक शख्स है जो आपके लिए बहुत अप्रोप्रिएट होगा। कौन? मैं। हाँ, आई थिंक मैं इस पोस्ट के लिए काफी एक्सपीरियंस्ड हूँ, आपको नहीं लगता? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं कर रही हूँ। प्रूव टू योरसेल्फ, मतलब इनके सभी कॉन्सर्ट्स में यू डन अ ग्रेट जॉब, बट मुझे लगा तुम अपनी कंपनी के काम में बिजी होगे, तो नए काम के लिए वक्त कैसे निकालो? अभी द रॉक स्टार और आप जैसी अस्टूट बिजनेस वुमन के साथ काम करने का मौका कौन छोड़ सकता है। आई थिंक आपसे काफी सीखने का मौका मिलेगा। इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, दैट्स द ओनली रीजन। ओके, बट आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ये तो आसानी से मेरी बातों में फंस गया, और इसे शक भी नहीं हुआ कि मैं इसे फंसाने की कोशिश कर रही। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसने खुद सामने से अपना नाम लिया। प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। वो एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी पूरब, मैं दरअसल निखिल से कुछ डिटेल्स। बात थोड़ी इम्पोर्टेंट है। एक्सक्यूज मी दीप, आपको मेरे साथ नीचे हॉल में चलना होगा अभी। पूरब, मेरी बात निखिल से अभी खत्म नहीं हुई थी। ये बात तो आप बाद में भी कर सकती हैं, पर अगर आप नीचे नहीं चलेंगी ना, तो जो हो रहा है वो गलत होगा। क्या हो रहा है नीचे? आप प्लीज खुद चल के देखिए प्लीज। अभी ये क्या हो रहा है? आलिया यहां कैसे? अब दादी, आपकी पोती ने कमाल कर दिया। मैं जब अभी के साथ बाहर गई थी तो मेरा कार के साथ एक्सीडेंट होने वाला था। अभी बहुत दूर था मुझसे, पर पता नहीं आलिया कहाँ से आ गई और उसने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई। और ये सब कुछ तो इंसान दिल से करता है ना दादी, देखिए ना बेचारी को कितनी चोट लगी है। अब ऐसे में मैं इसे आउट हाउस कैसे छोड़ के आती? इसे यहाँ लेके आके मैंने सही किया ना दादी।